Bismillahir Rahmanir Rahim. This is the session for question and answer after Asr Salah. Answers are given by Mufti Said Shahib Damad Barakatuhu. Today is 8th Ramadan, Wednesday, 13th of November, 2002. खुलासा ये था कि दुआ का असल महल और जगह नमाज के अंदर, लेकिन अजमी मुसलमानों की जरूरत के पेश नजर उलमाए किराम ने नमाज के बाद मुतसिलन दुआ का हुक्म दिया, क्योंकि अजमी मुसलमान नमाज में दुआ नहीं कर सकते, बाद में भी नहीं करेंगे, तो नमाजियों का, बंदों का अल्लाह से दुआ का ताल्लुक खत्म हो गया, जबकि दुआ ही नमाज का, इबादत का मज़मून है। ये है मसला। फिर नमाज दो तरह की, दो तीन नमाजें वो हैं जिनमें फर्जों के बाद नफलें और सुन्नतें, और दो नमाजें ऐसी हैं कि जिनमें फर्जों के बाद नफलें सुन्नतें नहीं। बस जिन नमाजों के बाद नफलें और सुन्नतें नहीं हैं, जैसे फज्र और असर, इसके बाद बाकियात सालिहात पढ़ने चाहिए। ये तस्बीहात पढ़ते हैं 33, 34, 34, ये बाकियात सालिहात है, अल बाकियात सालिहात। वो तस्बीहात पढ़ने के बाद में फिर दुआ करो। हर आदमी अपनी दिल की मुरादें अपने परवरदिगार से मांगे, खूब मांगे। सवाल करने वाले ने ये सवाल किया था कि दुआ गहरी होनी चाहिए एसिडली। उसका जवाब यह कि जब हर आदमी अपनी दुआ करेगा तो जहरी कहां से होगी, सीधी होगी। हर एक को अपनी मांगनी। अब लोग अहदी हो गए कि कौन मांगता है, इमाम साहब से कहा इमाम साहब तुम्हें मांगा पाओ। अरे भाई इमाम साहब मांगेंगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम हमारे दिल की आरज़ूएं हैं, मुरादें जो है तुम मांगो, इमाम को अपनी मांगे। जब इमाम साहब ने देखा कि लोगों की तरफ से मुझे ही मांगना है, तो उन्होंने वही अरबी की कुछ दुआएं रट ली, वो रोजाना वही पढ़ते हैं, बेकार हो गए, दुआ खत्म हो गई। जैसे तो अस्कार नमाज के अंदर गाने भी पड़े जाते थे, वही अस्कार नमाज सलाम के बाद इमाम साहब पढ़ने लगे, और लोग जहां इमाम साहब का सांस टूटा वहां आमीन आमीन कहने लगे, मौका हो या न हो, जो हो या न हो, बेमौका हम आमीन आमीन कहने लगे। मेरे भाई ये दुआ नहीं, ये ढोंग है, ये मजाक है दुआ का, ये तो अजकार है, ये अजकार तो नमाज के अंदर करो। दुआ है, आप मांगिए अपनी मुराद। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि इमाम साहब तशरीफ पर मां हो, इमाम साहब को कोई जरूरत हो चले गए हो चल जाने दीजिए, आप अपने तस्बीहात पूरी करके दुआएं मांगिए। आपका इमाम के साथ दुआ का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपका नहीं है, सलाम पर नमाज पूरी हो। मैं एक बार तबा पंचमहाल जिले में एक गांव है संत रामपुर, वहां एक हमारे जानने वाले थे, डॉक्टर साहब थे, बिहार के थे, इनके पास हो गया उनका, तो मैं उनसे मिलने के लिए, जो गोधरा से करीब है, लूनावाला के करीब, मैं वहां एक मरतबा गया, तो वहां एक मौलाना साहब थे जो देवबंद के मेरे साथी थे, वाली मोहम्मद कंकोड़ी गोधरा, वो वहां पढ़ाते थे, इमाम थे। मुझे वहां से रवाना होना था ऐसे वक्त में कि अगर मैं मस्जिद में नमाज पढ़ करके बस पर जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी, वक्त कम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वहीं बस स्टैंड पर नमाज पढ़ लूंगा असर की, आप तो इमाम हैं, आपको क्या नमाज पढ़ानी है, आप या नमाज पढ़ा, मैं जाता हूं। कहने लगे नहीं मैं छोड़ने आऊंगा। अरे मैं कभी तुम इमाम को कहां छोड़ने आओ, गाँव में खैर मेरा सामान ले लिया उन्होंने, हम दोनों मस्जिद में गए, उन्होंने एक तरफ पढ़ने में रख दिया, नमाज पढ़ाई ऐसा, और सलाम फेरने के बाद ऐलान किया कि मैं मौलाना को बस में बिठाने के लिए जा रहा हूं,
आप जरा अपनी तस्बीहात पूरी करके दुआ मांग लो। और ये कहकर वो उठे, हम दोनों उठे और सामान लेकर हम चले गए। मस्जिद के लिए कोई अचंभे की नई बात नहीं हुई। बाहर निकल करके मैंने उनसे कहा, मेरे साथी से, मैंने कहा यार बकरे तूने अच्छे तैयार कर। तो उसने उन्होंने कहा कि मैंने इन सबको समझा रखा कि देखो जमात सलाम पर खत्म हो, उसके बाद अगर आपको कोई जरूरत है इमरजेंसी आप जा सकते हैं, और मुझे अगर कोई जरूरत हो मैं भी जा सकता हूं, और मैं वक्त महीने में एक दो मरतबा जरूरत निकालकर चला जाता हूं ताकि इनके जख्मों में मसला रहे। तो असल मसला ये, फिर इसमें ये जरूरी नहीं है लोग देख रहे हैं कि इमाम साहब भाग जाएगा। हाँ भाग जाने का तो निकल ताकि लोगों के जख्मों में मसला भाग जाएगा। फिर इसमें ये जरूरी नहीं है कि सबकी तस्बीहात एक साथ पूरी हो जाए, ये जरूरी नहीं। जो बाकियात जो सालेहात हैं तस्बीहात वो सबकी एक साथ पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं। लिहाजा जिसकी तस्बीह जिस वक्त पूरी हो उस वक्त दुआ मांगना शुरू करें। इमाम साहब ने दुआ शुरू की है या नहीं की उससे आपको क्या लेना है, आप अपनी मांग रहे हैं। इमाम साहब जब फारिग होंगे वो अपनी मांगेंगे। आपकी तस्बीहात पहले पूरी हो गई है या किसी दिन आपको तस्बीह नहीं पढ़नी, कोई जरूरत है जल्दी जाना है जल्दी जाना, आप तस्बीहात छोड़ दीजिए, दुआ मांगिए, अपनी मांग कर जाइए, तस्बीहात बाद में पढ़ ली। जल्दी आप फारिग हो गए तो आप दुआ करने शुरू कर दी। इसी तरह से अगर तस्बीहात आपकी पूरी नहीं हुई है तो जरूरी नहीं कि इमाम साहब ने दुआ शुरू की तो आप अपनी तस्बीहात अधूरी छोड़कर दुआ में जाने लो। दुआ में करना आपकी दुआ अलग है, इमाम साहब की अलग है, आप अपनी तस्बीहात पूरी करके दुआ में शरीक होइए। और अगर आपकी तस्बीहात इमाम की दुआ खत्म हो गई, आपकी दुआ खत्म नहीं हुई, नहीं हुई मांगते रहिए। अगर ये देखने में कैसे इज्तिमाई है कि गोया सारे एक साथ मांग रहे हैं, हकीकत में एक साथ नहीं, हर एक अपनी मांग रहा है, अपनी जरूरतें अपनी जुबान में मांग रहा है, अपनी जितनी देर मांगनी है। ये दो नमाजों में ये दुआ करनी चाहिए और बाकी तीन नमाजें जो रह गई जिनके बाद सुन्नत और नफलें हैं उनके बाद दुआ नहीं, उनके बाद दुआ नहीं, उनके बाद अजकार है। कौन से अजकार? वही जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किया करते, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। बाद लोग इसमें बढ़ाते हैं व मिनकस सलाम व इलैका यरजू सलाम, लोग बढ़ाते हैं, ये हदीस में नहीं, लेकिन कोई बढ़ाना चाहे बढ़ा सकता। या ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, या सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या जैसे कलमा तीसरा कलेमा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके अलावा और बहुत से अज़कार आते हैं। बस ये मुख्तसर से अज़कार हैं, इनमें अगर कोई ज़िम्नन कोई दुआ या कलेमा आ जाए कोई हर्ज नहीं। हुजूर जो नमाजों के बाद अज़कार फरमाते थे उसमें कहीं कहीं दुआइया कलेमात भी होते, जैसे हुआ वला मान आलिमा आते वला मुआफिया वला मन आते, तो ये एक तरह की दुआ है। तो ऐसा अगर कुछ थोड़े बहुत दुआइया जुमले आ जाए इन अज़कार के अंदर कोई हर्ज नहीं। बाकी ये तीन नमाजों के बाद ये मुख्तसर अज़कार पढ़े, उसमें आप चाहे हाथ उठाकर करें चाहे बगैर हाथ उठाकर करें, ये अज़कार करने। फिर ये अज़कार करने के बाद सुन्नतों में और नफलों में लगना है। फिर जब आप सुन्नत से और नफलों से फारिग हो, फिर अब बात या तो सालेहात पढ़िए, वो 33, 34, 34, 34 पढ़िए और 34 बात या तो सालेहात पढ़कर अब दुआ मांगिए जमकर। आप अकेले
जो क्यों बिता सारे नमाज एक साथ फारिग होना था जरूरी नहीं। अब आप जमकर दुआ मांगिए, जैसे असर में और फजर में आपने लंबी दुआएं जमकर मांगी है, ऐसी हर नमाज के बाद सुन्नतों और नफलों से फारिग होकर बातियात सालेहात पढ़कर दुआ मांगकर घर जाए, तो पांचों नमाजों के बाद दुआ मांगनी, मगर इन दो नमाजों के बाद तो सुन्नत नफले नहीं है तो बातियात सालेहात पढ़कर दुआ मांगनी, और तीन नमाजों के बाद सुन्नत नफले हैं तो मुख्तसर अज़कार करके उन अज़कार करते हुए हाथ उठाना जरूरी नहीं, आप चाहे उठाए चाहे न उठाए ये अज़कार करें, और ये अज़कार करके फिर सुन्नत नफले पढ़ करके फिर जमकर दुआ मांगे, बातिया तो साले हाथ पढ़े और फिर जमकर दुआ मांगे फिर आप जाए। यही एक जमाने में ये मसला चला था दुआए खानिया का, ये दुआए खानिया इसी को कहते, और वो जो फर्ज के बाद में मुख्तसर अज़कार किए वो दुआए उला, और सलाम नफलों के बाद में जो ये दुआ हुई दुआए सानिया। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में इस पर जोर दिया कि दो दुआएं जरूरी, ये जो बरेली के हजरात थे उनके यहां दो दुआएं जरूरी हैं, एक फर्जों के बाद एक नफलों के बाद सुन्नतों के बाद, और दोनों है अति इज्तिमाई से होंगे, नफले पढ़कर कोई जाएगा नहीं सब बैठे रहेंगे, जब दुआ होगी तब जाएंगे लोग, फर्जों के बाद भी है अति इज्तिमाई से नफलों के बाद भी है अति इज्तिमाई से, और ये दोनों दुआएं जहरन होंगी और इमाम साहब पढ़ते रहेंगे, लोग बैठे बैठे करते रहेंगे आमीन आमीन कहते रहेंगे, ये जो हमारी हैं जैसी दुआएं हैं और इस तरह ये वही का जो बिदात में से जो थी वो बकिया भी हमारे यहां रह गया, ये हम भी सारे पूरा हिंदुस्तान बिदती था, हमारा सारा पूरा हिंदुस्तान बिदती था, कोई खाल खाल कुछ लोग सुन्नत को जानते थे वरना सारा हिंदुस्तान बिदती था। ये तो 150 साल पहले अल्लाह ताला ने फजल फरमाया करम फरमाया बड़े सभी के मुसलमानों पर के दारुल देवबंद कायम हुआ और उनके अकाबिर ने सुन्नत को जिंदा करने की मेहनत शुरू की, तो आज आधा हिंदुस्तान सवरा है, अभी आधा हिंदुस्तान तो बिदात में फंसा हुआ है, और वो जो आधा सवरा है उनमें भी पिछली जिंदगी की कुछ बातें अब भी बाकी है वो निकली नहीं। ये उस सवाल का जवाब था के दुआ गहरी होनी चाहिए या सीधी होनी चाहिए, इसमें कभी ऐसा होता है कि जो कोई एक इज्तिमाई मकसद होता है, बारिश नहीं हो रही और लोग इकट्ठा हो रहे हैं इज्तिमाई दुआ, या किसी की वफात हुई और लोग इकट्ठा हो रहे हैं, या ईसा ने सवाब की मजलिस हुई और उसके बाद दुआ करनी, ये इज्तिमाई मकसद है, उस इज्तिमाई मकसद में जहरी दुआ की जा सकती है कि कोई भी एक आदमी दुआ करे, इमाम की जरूरी नहीं है, कोई भी एक आदमी दुआ करे और बकिया सब उसकी दुआ पर आमीन कहें, ऐसा होगा जायज है, जहरी दुआ की जाएगी मगर ऐसे खास ओकेजन पर, और उसमें भी लोगों को छोटी दुआ पसंद नहीं, इतनी दुआ जब तक न हो हाथ जब तक थक न जाए वहां तक दुआ नहीं होती, लोगों का गजी मिजाज बन गया, इतनी देर अगर हाथ उठाए रखो लोगों से हाथ उठवाए रखो तो थक जाए, अच्छी दुआ मकसद नहीं मिल जाए, छोटी दुआ कर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह मियां मियां ने फजीलाई को बुलनी हुई कोई मकसद नहीं हुई, तो फिर इमाम बेचारा क्या करेगा लंबी दुआ करने के लिए, वही जो उसने दुआ है याद कर रखी है अज़कार, वो अज़कार पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, फिर दो चार जुमले मौके के मुनासिब उससे पढ़ लेंगे, ये सब जो सिलसिला है। अरे देखिए पॉइंट टू पॉइंट दुआ मांगो, पॉइंट टू पॉइंट दुआ मांगो, आप बारिश के लिए जमा हो तो बारिश मांगिए, आप मकसद ईसा ने सवाब के लिए और मकसद के उसी मजमून को बयान की, हाँ पॉइंट टू पॉइंट के लिए कुछ आदाब है, वो आदाब ये है कि आप दुआ के शुरू में अल्लाह की खूब तारीफ की, फिर जब अल्लाह की तारीफ कर चुके तो फिर हुजूर पर दुरूद भेज, इसमें जितना आप वक्त लगाए लगाए, फिर जब तारीफ और दुरूद हो चुका अब पॉइंट पर आइए,
जिस दुआ के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं उस मौजू पर दुआ मांगिए और दुआ मांगकर फिर अल्लाह की तारीफ कीजिए, हुजूर पर दूध भेजिए, आत्मों पर फेर दीजिए। ये दुआ का आदाब में से पहले अल्लाह की तारीफ करो, हुजूर को दुरूद भेजो, फिर अपना मकसद मांगो, मकसद जब मांग भी हो तो फिर अल्लाह की तारीफ करो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पर जो दुआ खत्म होती है तो इसमें अल्लाह की तारीफ और अंबिया पर सलाम है, तो ये शुरू में भी होना चाहिए, दुआ के बाद भी होना चाहिए, बीच में पॉइंट टू पॉइंट जिस मकसद के लिए। मोटी रात ना कब्रस्तान जाऊं क्यों? ये जो मोटी रात का तस्वीर है ये गुजरातियों में, ये बड़े दिन और बड़ी रातें इसका जो तस्वीर है ये कि गुजरातियों के अंदर पाया जाता है, दुनिया की दीगर अफवाह में इसका कोई ज्यादा असर नहीं। हमारे यहाँ देवबंद में कब शबे बरात आती है और कब जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है, जिसको रोजा रखना है वो याद रखता है कि 15 शाबान फला दिन आएगी तो 15 शाबान को रोजा रखता है, और गुजरात होगा तो एक महीना पहले से पता चलेगा कि शबरात आ रही है। बड़े ढोल बजाती बजाती आती है शबरात शबरात शबरात, ये गुजरातियों में ये सब चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, नहीं है, बस जितनी उनको लोगों ने बढ़ा दी है अहमियत इतनी नहीं। देखो शबे बरात में रात में नफलें पढ़नी है, अपने घर में पढ़नी है, इन्फिरादी अमल है, और जितना अल्लाह को फिर इतना पढ़ना है सो जाए। ये जो गुजराती ने हंगामा कर रखा है कि उस रात मस्जिद में और खाना पक रहा है और खाया जा रहा है और लड़के हुआ इधर जा रहे हैं और लड़के हुआ इधर जा रहे हैं और कब्रिस्तान में चिरागा हो रहा है और बत्तियां जल रही हैं, दिन और गाने के लिए, और 15 तारीख को रोजा कोई नहीं रखे इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं रखने वाले। देखो इस शबे बरात में फकत दो अमल, रात में नफलें पढ़नी है एक्स्ट्रा, जैसे रमजान में कुछ नफलें जायज हो जाती है जिनको तरावी कहते हैं, इसी तरह से इस रात में आप हर रात को जो नफलें पढ़ते हो मामूल हो उससे जायज कुछ नफलें पढ़िए, पढ़िए अपने घर में, पढ़िए। इनफिरादी अमल है, ये मस्जिद का इज्तिमाई अमल नहीं। गुजरातियों ने जो मस्जिद का इज्तिमाई अमल बना दिया है, इधर सुन लो इसे कान खोलकर, ये नमाज नफले न मस्जिद का इंफिरादी अमल, आप अपने घर में पढ़िए, आप अपनी अहलिया आपके लड़के आपकी लड़कियां सब घर में, मस्जिद का ये अमल नहीं। हुजूर ने कभी मस्जिद में कोई नफले इस रात में नहीं पढ़ी, न सहाबा ने कभी पढ़ी, न ताबेईन ने कभी पढ़ी, न तबे ताबेईन ने कभी पढ़ी, पर हदीसों में जो इस रात में नफलों का जिक्र है वो इंफिरादी अमल है घर में पढ़ने का। दूसरा अमल 15 का रोजा रखना, इनके अलावा एक दूसरा अमल है अपने लिए और गुजरे हुओं के लिए मगफिरत तलबी, बख्शिश की दुआ करना, ये एक खास अमल है इस बात का। अपने लिए बख्शिश तलब करो, जिंदों के लिए बख्शिश तलब करो, वफात पायाओं के लिए बख्शिश तलब करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की तौफीक मांगो, ये इस रात की मकसूद दुआ है। और दुआएं करिए आपको अल्लाह ताला जो तौफीक दे जो आपका मुराद हो मांगिए, लेकिन ये दुआ इस रात में जरूर मांगिए। ये जो दुआ है हदीस शरीफ में है कि इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की बख्शीश करते हैं मगर 3 आदमियों की बख्शीश इस रात में भी नहीं करते, इस रात में भी नहीं होती। एक मुदमिन खमरिन शराब के नशे में दूर रहता हूं, शराब के नशे में दूर रहने का मतलब यह है बाद लोग सिगरेट पीते हैं, अभी पहली सिगरेट खत्म हुई उसे बुझाई और अगली निकालकर सूर देके जलाई, वो खत्म हुई तो अगली किस भी जलाई, या 2-4 मिनट बीच में फसला हो गया वो कोई फासला नहीं। बाद लोग पान खाते हैं मुंह में खत्म हुआ वो थूका अगला की लगाया मुंह में छोड़ा, या थोड़ा सा 2-4 मिनट रह गए ये कोई फासला नहीं, आकर सोता है जब आंख खुलती है गिंदिया अंदर पानी मुंह में रख मिल गया। ऐसे ही है पान के खाने वाले भी,
ऐसा ही शराबी होते हैं जो शराब के नशे में धुत रहते हैं। एक का नशा उतरा तो अगली भी चलाई। मुदमिनो कमरीन का ये मतलब एक तो ये है कि कभी कभी पीड़ी चाय। एक था हमारा जानने वाला अहमदाबाद में रहता था, तो उसे हमने पूछा भाई तू बहुत सोना चाय पीता है? कभी मैं नहीं पीता ज्यादा, बहुत थोड़ी नहीं पीता, कितनी पीता तो रोजाना तेरे 50 कप पीता रोजाना 50 कप फुली तो जो इतना नशे में शराब का हो गया है, यहां वो सवाल भी आता है कि फिर थोड़ी सी पी ले कभी कभी हफ्ते में 2-4 मरतबा तो जाई होनी चाहिए। ऐसा शराब के नशे में धुत रहना उसकी मगफिरत नहीं होती। इसका जवाब वही है जो बताया था कि अल्लाह ने फरमाया कि वो लोगों जो ईमान लाए हो सूद मत खाओ दो चंद करके। अब आप मुदाफतन में वहां बताया था कि सूद जब शुरू होगा लेना तो वो तो दो चंद हो ही जाए, ऐसे ही जो शराब पीने लगेंगे वो तो धुत हो ही जाएंगे। आजकल दरअसल हीरोइन वगैरह लोग जो लेना शुरू करते हैं इतना लिया कब जिंदगी में बढ़ते 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 फंस गए, अब हर वक्त वो नशे ही में रहते हैं। और कोई कंट्रोल कर ले तो वो कोई एक बार लोग होते हैं जो किसी वजह से कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी आमतौर पर लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। जो इन नशों में फंस जाता है वो गया। तो इसलिए चाहे हर वक्त धूत रहे चाहे कभी कभी नशा करे, उस नशा करने वाले की रात में वक्त इतनी होती। तीसरा काफे और रहीम खानदान से कट ऑफ, ताल्लुकात खराब, भाई से खराब, चचा से खराब, बाप से खराब, बेटे से खराब, और उसकी कोई शरीय बुनियाद न हो। अगर ताल्लुकात हमने तोड़े हैं शरीय बुनियाद है, अल्लाह के हुक्म से अपने ताल्लुकात तोड़े हैं वो मुस्तना है, और वो तोड़ना जरूरी है। हम जो वितरों में दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो हमेशा एक जुमला पढ़ते हैं वन्नत रुकु मैयत जुरू कर, खुदाया जो आपके आकाम की खिलाफ वर्जी करता है हमारा उसे बैठक। वन्नत रुकु मैयत जुरू कर रोजाना एक मरतबा पढ़ते हैं और कोई बैठक नहीं करता। बेटा बदकार है बाप का ताल्लुक, बाप बदकार है बेटे का ताल्लुक, भाई बदकार है उससे ताल्लुक है, वो रखते हैं रखना जरूरी कहते हैं। हालांकि रोजाना एक पढ़ते हैं कि नत रुको मैं यह जुड़ो कर, खुदा है जो आपके आकाम की खिलाफ वर्जी करता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमसे बेताल्लुक है। तो ये अगर शरई बुनियाद पर अगर तर्क ताल्लुक है वो जरूरी है और जाहिर है। हदीस शरीफ में है मन अहब लिल्लाह व अबغض लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमल अलईमान। अल्लाह के लिए मोहब्बत रखो और अल्लाह के लिए बुग्ज़ और नफरत बेताल्लुकी रखो, और अल्लाह के लिए दो और अल्लाह के लिए मत दो। ये चार बातें जिसके अंदर है उसका ईमान कंप्लीट, ईमान कंप्लीट ही उस वक्त होता है। ये चार बातें मोहब्बत रखे अल्लाह की, नफरत दुश्मनी रखे अल्लाह के लिए दुश्मनी रखे। मोमिन को जो काफिर से दुश्मनी होती है किस बुनियाद पर होती है? अल्लाह ही के लिए होती है। किसी को दे तो अल्लाह के लिए दे, किसी को न दे तो न दे तो भी अल्लाह के लिए न दे। तो अगर शरई बुनियाद पर पता ताल्लुक है वो रहा मुराद, नहीं दुनियावी और दुनिया की वजह से दुनिया की लेन देन झगड़े अला बला इनकी वजह से खानदान में बेताल्लुक या पते ताल्लुक है ऐसा काफी वो रही की मकसद नहीं होती। तीसरा कौन है? हाँ अलमुस्बिलो इजारो, जो अपनी लुंगी पैंट जींस टखनों से नीचे तक पहनता है, जो लुंगी पैंट वगैरह कोई भी टखनों से नीचे तक पहनता है उस कपड़ा लटकाने वाले की भी मकसद भी रात नहीं होती, और उस रात में अपने लिए भी मांगो, अपने जिंदा मुताल्लिक इनके लिए मकसद मांगो, अपने वफात पाए हुओं के लिए भी मफरत मांगो। उस दिन कब्रस्तान जाना
इसका कोई शरीर सबूत नहीं। उस दिन कब्रिस्तान जाना इसका कोई सबूत नहीं। और जिस हदीस शरीफ की जो आप हजरात ने जो हदीस शरीफ सुन रखी है जो हुजूर उस रात में तशरीफ ले गए थे वो हदीस शरीफ की मिली में हिमा तो सुनो वो हदीस शरीफ की मिली शरीफ में है। उस हदीस शरीफ की सनद में पाक जौक है यानी पाक एतराज है उसकी सनद पर। लिहाजा एक तो निहायत ज़ईफ हदीस और निहायत ज़ईफ हदीस से कोई अमल मुस्तहब के दर्जे का अमल भी साबित नहीं हो। हल्की ज़ईफ हदीस हो तो उससे इस्तेहबाब के दर्जे का अमल साबित होता है। ये हल्की ज़ईफ नहीं इसमें पाक ज़ौक है। दूसरी बात बहुत अहम बात है पहले वो पूरी हदीस सुनो। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए ईशा के बाद और ईशा के बाद हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका के साथ दोनों एक साथ लेट गए जैसे मियां बीवी लड़ते। कुछ वक्त के बाद हुजूर बिस्तर में से निकले और निकलने का अंदाज चुपके से खिसकर खिसक कर निकले। हजरत आयशा अभी पूरी सोई नहीं थी सोना जगने के दरमियान थी जब हुजूर चुपके से खिसके तो हजरत आयशा की आंख खुली तो उनको शुबा हुआ कि हुजूर इस तरह से चुपके से क्यों खिसक करके बिस्तर में से निकल गए। खैर हुजूर निकले फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला और आहिस्ता से दरवाजा बंद किया। इसमें और शुबा हुआ कि ये आहिस्ता से चुपके से क्यों हो रहा है और हुजूर चले गए। हजरत आयशा के जहन में ख्याल पैदा हुआ बदगुमानी पैदा हुई कि हुजूर अपनी किसी दूसरी बीवी साहिबा के यहां तशरीफ ले गए और ये जायज नहीं। अगर दो या ज्यादा बीवियां हैं तो जिसकी बारी होगी उस रात में दूसरी बीवी से सोहबत करना जायज नहीं। मसला है जिसकी बारी है उस रात में उसी से और अगर दूसरी बीवी से सोहबत करनी है तो जिसकी बारी है उस बीवी से इजाजत लेकर जाए। तो अब हजरत आयशा की बारी है उस दिन अगर हुजूर को दूसरी बीवी साहिबा के यहां तशरीफ ले जाना है तो हजरत आयशा से इजाजत लेनी और चुपके से निकल कर जाना और दूसरी बीवी साहिबा के पास मेरे चरण जाइए नहीं। तो ये शुबा हुआ उन्हें कि हुजूर जो चुपके से जा रहे हैं तो दूसरी बीवी साहिबा के यहां जा रहे हैं तो उन्होंने वो भी पीछे से निकली और दरवाजा खोला ये देखने के लिए कि हुजूर कौन सी बीवी साहिबा के यहां घर में कमरे में दाखिल हो रहे हैं। अब जो उन्होंने दरवाजा खोला तो हुजूर तो मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। हुजूर के जो कमरे हैं वो तो इस जगह पर हैं तो वो उन कमरों में से किसी के यहां हुजूर जा नहीं रहे। हुजूर तो उधर जा रहे तो उनको शुबा हुआ तो हुजूर कहां जा रहे। अब शुबा नहीं अब तो ख्याल चला हुआ भाई बाहर कहां जा रहे। खैर हुजूर तो बाहर निकल गए। अब ये भी मस्जिद पूरी क्रॉस करके हजरत आयशा भी बाहर निकली। रात है 15वीं रात शबे उसकी शाबान की उसको चांद मून फुल होता है तो पूरी रोशनी है वहां अरब में बादल बादल तो होते नहीं। तो जब वो मस्जिद से बाहर गई तो हुजूर कब्रिस्तान के करीब पहुंच चुके। वहां मदीना से मस्जिद नबवी से कब्रिस्तान इतना ही समझो जितना यहां से ताजमहल ताजमहल भाई तो वहां खड़ी खड़ी देखती रही। हुजूर कब्रिस्तान में गए देर तक वहां ठहरे रहे क्या किया अल्लाह जाने। हजरत आयशा यहीं बाहर खड़ी रही। फिर जब हुजूर कब्रिस्तान से फारिग होकर वापस लौटे तो हम चांद की रोशनी में नजर आ रहा तो हजरत आयशा फौरन मस्जिद में दाखिल हो और मस्जिद में दाखिल होकर के आकर अपने कमरे में आकर के याद हो गए लेडीज हुजूर तशरीफ लाए और आहिस्ता से दरवाजा खोला। पहले भी जो हुजूर चुपके से गए थे आहिस्ता से खोला हुजूर का मकसद यह था हजरत आयशा की नींद खराब न हो उनकी नींद खराब न हो इसलिए हुजूर ने ऐसा किया। मगर हजरत आयशा कुछ और समझ गई तो अब जब वापस आए तो अभी आहिस्ता से केवाड़ खोला ताकि इनकी नींद खराब न हो और फिर आहिस्ता से बिस्तर उठा करके चुपके से हुजूर अंदर घुस गए ताकि इनकी नींद ना खराब। मगर जब हजरत हुजूर अंदर घुस गए तो हजरत आयशा का जोर जोर से सांस चल रहा
क्योंकि बाहर खड़ी है, वहां से जल्दी तेजी के साथ आई है, आकर के घुसी है, तो हुजूर सारा किस्सा समझ गए। हुजूर ने पूछा कि तुमने क्या, तुम्हें इस बात का अंदेशा हुआ कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम पर जुल्म करेगा? देखो यहां से मसला निकला कि दो या ज्यादा बीवियां हों, जिस बीवी की बारी है उस बारी में उसकी इजाजत से आप दूसरी बीवी से सोहबत करना चाहें, जाइए, और अगर आपने बगैर उसकी इजाजत के दूसरे से सोहबत की तो मैंने कहा नाजायज है। नाजायज का मतलब जिना का गुनाह होगा नहीं, नाजायज का मतलब यह है कि जिसकी बारी है उस पर यह जुल्म होगा, जुल्म का गुनाह होगा, ये नाजायज बमाना जुल्म है। कहीं आप ये ना समझ जाए कि उस बारी में दूसरी बीवी से सोहबत करेगा जिना हो जाएगा, नहीं तो सारी उसकी बीवियां हैं, तो नाजायज बही माना है कि अगर ऐसा करेगा इजाजत के बगैर तो वो जिसकी बारी उस पर जुल्म होगा और जुल्म का गुनेगार होगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ आकर लेट गया था इशा के बाद, फिर हजरत जिब्राइल अचानक तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आज फुला रात है और इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की जितनी बकरियों के बाल होते हैं इतने लोगों की मगफिरत करते हैं, आप भी अपनी उम्मत के लिए मगफिरत चाहें। ये हजरत जिब्राइल ने आकर कहा। तो मैं कब्रिस्तान गया था लोगों के अमवात के लिए दुआएं मगफिरत करने। ये असल पूरी हदीस शरीफ है। ये हदीस शरीफ अव्वलन तो निहायत ज़ईफ है, तिर्मिज़ी में ये हदीस है 5 ज़ौफ़ है उसमें। सानियन अगर ये शरई अमल होता तो हुजूर छुपा कर क्यों करते? देखो ये बहुत अहम मसला समझने का है। हुजूर तो दीन उम्मत तक पहुंचाने के लिए आए। अगर ये मसला कि इस रात में कब्रिस्तान जाना ये कोई शरीयत का हुक्म होता तो हुजूर ने ये अमल छुपा कर क्यों किया? कि चलो आज रात ही में वही आई, आज रात में वही आई तो सुबह सहाबा को बताते कि आज भी रात को वही आई है, कब्रिस्तान इस रात में जाना चाहिए, और फिर आइंदा हर साल शबे बरात में हुजूर और सहाबा कब्रिस्तान जाया करते हो। ऐसा कोई रिवायत में नहीं कि हुजूर ने सुबह सहाबा को यह बताया और हुक्म दिया हो कि इस रात में मकबर दुआ है मकबर के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। ऐसा हुजूर ने उम्मत को कोई हुक्म नहीं दिया, और हुजूर ने एक अमल किया है मगर वो भी चुपके से छुपा कर किया है और किसी को नहीं बताया, सुबह भी नहीं बताया, उम्मत में किसी को यह अमल नहीं बताया। मालूम हुआ कि उस रात में दुआए मकफरत तो करनी है, और हजरत जिब्राइल ने यही हुक्म दिया है दुआए मकफरत कीजिए आप अपनी उम्मत के लिए। अब अगर कब्रिस्तान करीब है और कोई वहां जाकर करे, बाकी वहां पे जाना जरूरी नहीं है। उस रात में अपने लिए, जिंदों के लिए और अमवात के लिए इसाले सवाब करो, उनके लिए दुआए मकफरत करो, ये उस रात में करना चाहिए। जहां आप रात में नफले नमाजें पढ़ रहे हैं वहीं उनके लिए कीजिए, और आपके नेक्स्ट डोर पर अगर कब्रिस्तान है तो वहां भी चले जाइए, वहां जाकर कराइए। लेकिन ये जो उम्मत में शुरू है, इसी शबे बरात भी इत्तेफाक से मैं दिल्ली में था तो एक जगह पर मैं गाड़ी में गुजर रहा था तो एक बड़ा शानदार जश्न जैसा हो रहा था। कभी ये क्या है कि हमने के कब्रिस्तान, अब कब्रिस्तान में हर बड़ कब्र के ऊपर चिराग दिए जल रहे हैं, जैसे दिवाली में जलते हैं, हर कब्र पर दिए जल रहे हैं, अंदर भी आग और ऊपर भी आग। जाहिर है जो ऊपर आग है तो अंदर कहां से आग होगा, अंदर भी आग होगी। कब्रिस्तान मैयत के साथ तो आग ले जाने के ममाने थे, और वहां पूरे कब्रिस्तान में कब्रों को दिए जल रहे। तो मेरे भाइयों, ये जो उम्मत में चल रहा है ये कोई शरीयत का अमल नहीं। इस रात में आप नफले पढ़िए, इनफिरादी अमल, आप जाने, आपके घर के बच्चे बीवियां जाने, पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आपके घर में क्या ही बात हो रही। सुबह आप रोजा रखें और उस रात में अपने लिए, जिंदों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो इंतकाल कर गए सबके लिए मगफिरत तलब कीजिए, सदका कीजिए उनकी दुआ के लिए, और रात में ये मगफिरत तलब ही घर में कीजिए, और अगर कोई कब्रिस्तान करीब है तो इत्तेफाकन चला जाए तो गुंजाइश है, बाकी इस रात में कब्रिस्तान जाने का हुजूर ने